आज हम बताने जा रहे हैं आपको कुछ आसनास है जो बैक पेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है बहुत ही हैक्टिक लाइफस्टाइल है और जिसमें सिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लगभग सभी लोगों की सिटिंग ज़्यादा होती है। तो इस सिटिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या है, फिर हमारी जो स्पाइन कॉर्ड है वो धीरे धीरे उसके मूवमेंट्स कम होने की वजह से उसकी स्टिफनेस बढ़ने लगती है, और स्टिफनेस बढ़ने की वजह से फिर हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हमें सर्वाइकल पेन होने लगता है, हमें बैक पेन होने लगता है, शोल्डर फ्लोर्जन होने लगता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। बट आज की जो हम प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे और जिसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे वो है बैक पेन। बैक पेन होने का मुख्य कारण है कुछ एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइज न करना। तो हम कुछ प्रैक्टिस, योगिक प्रैक्टिस हम आपको बताते हैं जिसके करने से आप बैक पेन से रिलीफ पा सकते हो, और अगर जिनको नहीं भी है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा, बिकॉज अगर जिनको नहीं है तो उनकी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है, उनको कभी भी बैक पेन होएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ में चित प्रकाश जी हैं, तो ये हमें डेमो देंगे और मैं उन आसनास की बारीकियाँ आपको बताऊँगा भी उन आसन को, क्योंकि हम आसन करते तो हैं बट हम जब तक हम उसको ब्रीदिंग के साथ और करेक्ट वे में नहीं करेंगे उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे उन आसनास को आपको सही वे में पहुँचाने का। तो सबसे पहले जो आसन आता है वो है कैट पोज। तो आप कैट पोज में आ जाइए, आप फेस मेरी तरफ रखिएगा और पैर उधर रखिएगा। तो कैट पोज में दोस्तों देखिए, घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर, उतना ही गैप आपका हाथों के बीच में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर। अब आपको हाथ कहाँ रखने, कुछ लोग हाथ बहुत ज्यादा पीछे रख लेते हैं, कुछ लोग हाथ बहुत ज्यादा आगे रख लेते हैं। तो आपको हाथों को कहाँ रखना, आप जहाँ पे आपके शोल्डर है हाथ जस्ट उस शोल्डर के नीचे होने चाहिए, हाथों को थोड़ा सा आगे रखना चाहिए, ठीक है। अब इस पोजीशन में हम इंटायर स्पाइन मूवमेंट करेंगे। तो इसमें क्या करना, आपने गर्दन को ऊपर उठाना और स्पाइन को धीरे धीरे नीचे लेके आना, इसको बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन में करना। अब स्पाइन में देखिए जैसे कर्व बनना, तो ये आपके लिए जिनको बैक पेन है उनके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग है। तो स्पाइन को धीरे धीरे जितना हो सकता है आराम से कीजिएगा, स्पाइन को धीरे धीरे नीचे लेके जाना, ठीक है। फिर गर्दन को नीचे लेके जाना श्वास छोड़ते हुए, और स्पाइन को धीरे धीरे ऊपर की ओर राउंड बनाना। पर जिनको सर्वाइकल पेन है वो गर्दन बहुत ज्यादा अंदर नहीं लेके जाएंगे, गर्दन को थोड़ा सा बाहर रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपनी टमी को अंदर की ओर स्क्वीज करना, देन अगेन नेक अप स्पाइन डाउन, कर्व योर स्पाइन व्हाइल ब्रीथिंग, वेरी गुड, देन नेक डाउन राउंड योर स्पाइन। इस प्रैक्टिस को आप 10-15 टाइम्स कर सकते हो। इस प्रैक्टिस से आप इन आसनास की शुरुआत कर सकते हो, आप करते रहिए। और इस आसन के करने से क्या, आपके जैसे स्पाइन कॉर्ड में 33 वर्टिब्राज होते हैं, आपके सर्वाइकल रीजन से लेकर के आपके टेल बोन तक, तो इस प्रैक्टिस से आप उन 33 वर्टिब्राज की मूवमेंट कर रहे हो। तो दोस्तों जैसे बैक पेन क्यों होता है, आपके वर्टिब्राज के बीच में एक तरह से स्पाजम इकट्ठा होने लगता है। स्पाजम मीन्स स्टिफनेस इकट्ठे होने लगती है, टॉक्सिक मैटर इकट्ठा होने लगता है, वाई इकट्ठी होने लगती है, तो जिसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। तो अब इसको 10-15 टाइम्स करने के बाद आप रैबिट पोज में आ जाइए, शशांकासन। तो ये शशांकासन है, इसमें क्या, हाथों को आपने आगे की ओर एक्सपेंड रखना है और अपने हिप्स को बट्स को हील से टच करवा के रखना है। इसको आप जस्ट 30 सेकेंड से, एक रिलैक्सिंग आसन है बट इसके बेनिफिट्स आपको हेल्प करते हैं बैक पेन के लिए भी, ये बहुत अच्छा रिलीज। तो ये हमारा एक पहला हमने किया कैट पोज, अब किया रैबिट पोज। हम दूसरा आसन, तीसरा आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। आप सिर मेरी तरफ रखिएगा और हेड उधर रखिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। थोड़ा और नीचे आ जाइए। तो दोस्तों पवन मुक्त आसन, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है पवन मुक्त, मतलब अपने शरीर के अंदर से जो वाय है, पवन है, उसको आपने बाहर निकालना है, उसको आपने रिलीज करना है। क्योंकि वाय की वजह से आपको जब भी कोई भी किसी भी तरह का पेन होता है तो
तो वो वाई की वजह से ही होता है। तो पवन मुक्तासन स्टार्ट करेंगे, आप अपने राइट नी को प्लीज बैंड कीजिए, दोनों हाथों से पकड़ के रखना और नी को धीरे धीरे आपने नीचे की ओर प्रेस करना है। लेफ्ट नी स्ट्रेट रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से लेफ्ट नी को ऊपर उठा देते हैं जैसे कि इन्होंने उठाया, बट लेफ्ट नी उठाना नहीं है, लेफ्ट नी को स्ट्रेट रखना है। रिलीज फिर वापिस, फिर लेफ्ट नी को बैंड कीजिए, सेम प्रैक्टिस। नी को धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे की ओर प्रेस करना, इससे क्या होगा आपकी स्पाइन जो यहाँ पे है वो स्पेस नहीं रहेगी, आपकी स्पाइन पूरी जमीन से टच हो जाएगी। अदरवाइज जब हम लेटते हैं तो जनरली हमारी जो स्पाइन कॉर्ड है जो लंबर रीजन है वो उठा हुआ रहता है, तो उसको उठा के नहीं रखना। रिलीज, फिर से राइट नी को बैंड कीजिए। तो दोस्तों इस आसन को आपने रिपीट करना है कम से कम 5 टाइम्स राइट साइड से और 5 टाइम्स लेफ्ट साइड से। ये जिनको शैटिका पेन है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिनका पेट बड़ा हुआ है उनके लिए भी आसन बहुत अच्छा है, जिनको ज्वाइंट्स प्रॉब्लम है उनके लिए भी आसन बहुत अच्छा है। रिलैक्स, इसको आपने 5 टाइम्स रिपीट करना लेफ्ट से, 5 टाइम्स राइट से। अब आपने दोनों नीज को एक साथ बैंड करना पवन मुक्तासन इसी अभ्यास के अंतर्गत। अब दोनों हाथों से नीज को पकड़ना, नहीं फिंगर्स को क्रॉस करना, या फिंगर्स को क्रॉस करना और नीज को धीरे धीरे नीचे की ओर प्रेस करना। स्पाइन को यहां से बहुत ज्यादा उठाना नहीं है, स्पाइन को नीचे रखो, धीरे धीरे आराम से सहजता पूर्वक कर रिलीज, फिर वापस छोड़ दीजिए। तो दोस्तों इसको भी आपने 5 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है। ये हमारा पवन मुक्तासन हो गया। अब नेक्स्ट इसी के अंदर बैक पेन के जो आसन नेक्स्ट है वो है ब्रिज पोज। अब ब्रिज पोज के लिए आपने क्या करना है, अपने दोनों नीज को बैंड कर लीजिए धीरे से, हील्स को जितना हो सकता आपने हिप्स के पास लेके आना, बट पैरों के बीच में गैप भी रखना, गैप अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर रखना, पैरों के बीच में थोड़ा गैप बना दीजिए। आपके हाथ जो है वो आराम से हील्स के साथ टच होने चाहिए, पैरों को थोड़ा सा और पीछे की ओर खींचिए। अब आपने शोल्डर्स को नीचे रखते हुए अपने हिप्स रीजन को धीरे धीरे ऊपर की ओर लिफ्ट करना कीजिए, जितना आराम से सहायता से उठा सकते हो। अब आपके पेट जो है उसको ढीला छोड़ के रखना और फिर नीचे आई, अब फिर से आपने श्वास छोड़ते ऊपर जाना, फिर श्वास लेते हुए नीचे। तो इसको दोस्तों आपने धीरे धीरे करना, इसको आप 5-10 टाइम्स, इनिशियली आप 5 टाइम्स से स्टार्ट करो और 5-10 टाइम्स इसको आप रिपीट कर सकते हो। तो ये भी आपको मदद करेगा आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए और बैक पेन के रिलैक्सेशन के लिए। रिलैक्स, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। अब नेक्स्ट आसन है, अब दोनों नीज को बैठ लीजिए। अब आपने एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है जो आपके स्पाइन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब दोनों नीज को बैंड करके रखिए। अब आपने स्पाइन को जस्ट अब देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये स्पाइन यहाँ से थोड़ी सी उठी हुई है, यहाँ पे मेरा हाथ इसके अंदर जा रहा है, तो हाथ अंदर नहीं जाना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को नीचे की ओर प्रेस करना, यहाँ पे अब हाथ नहीं नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठाना, ठीक है। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर प्रेस करना, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इसको भी आप सहजतापूर्वक धीरे धीरे आराम से कर सकते हो, नीज को स्ट्रेट कर दीजिए। तो ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ये क्या करता है, ये आपके स्पाइन कॉर्ड की स्ट्रेंथनिंग के लिए अच्छा है और वहां पे जो टॉक्सिक मैटर है उसको आप ब्रीदिंग के माध्यम से उसको आप बाहर निकाल सकते हो। फिर लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। अब इसमें दोस्तों आप एक अभ्यास और कर सकते हो, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अपने नीज को बैंड कर लीजिए। अब मैं चेयर आपकी बॉडी के पास रखूंगा और आपने दोनों पैरों को चेयर के ऊपर रखना, दोनों पैर आपको चेयर के ऊपर रखना। तो ये आसन भी आपके लिए बैक पेन के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें भी आपकी स्पाइन जो है अब नीचे जमीन से टच रहेगी, तो इसमें क्या आपकी स्पाइन को रिलैक्स मिलता है। तो आपकी स्पाइन अगर रिलैक्स होगी तो वहां पे जो नर्व्स है वो बैलेंस में रहेगी और नर्व्स को नरिशमेंट मिलेगी, तो इससे क्या बैक पेन के लिए बहुत अच्छा। रिलीज कर दीजिए।
तो दोस्तों नेक्स्ट, अब उल्टे लेट जाइए। इसी के अंदर कुछ दो आसन और हैं जो बैक पेन के लिए बहुत हेल्पफुल है। फर्स्ट है कोबरा पोज। उल्टे लेटने वाले आसनों में पहला आसन कोबरा पोज। अब आपने क्या करना है, दोनों पैरों को ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। अब धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर उठाना, गर्दन ऊपर उठाई, और फिर धीरे धीरे अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना, चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर उठाना। अब देखिए इसमें एल्बोज आपकी बैंड है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, थाइस को यहाँ से ऊपर उठा लेते हैं, बट थाइस को ऊपर नहीं उठाना, इसको बहुत आराम से सहजता से करना है, ठीक है। अब एल्बोज बैंड रखते हुए जितना आप आराम से कर सकते हो उतना ही करना है अपनी क्षमता के अनुसार, फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। तो दोस्तों इसको भी आपने 3-5 टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हो, श्वास लेते हुए ऊपर धीरे धीरे जाना और श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप जितना आराम से करोगे आपके लिए उतना ही वो प्रैक्टिस अच्छी है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस में है धनुरासन। धनुरासन में आप क्या करेंगे, आप दोनों नीज को बैंड कर दीजिए। अब इसमें अर्ध धनुरासन करेंगे, हम पूर्ण धनु नहीं करेंगे, बिकॉज आपको बैक पेन पहले से ही है, और अगर आप उसको पूर्ण रूप से धनुरासन करोगे तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अब दोनों हाथों से आप एंकल्स को पकड़ना। अब इसमें आपने क्या करना है, नीज को ऊपर नहीं उठाना, केवल अपर बॉडी को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे ऊपर उठाइए। नीज को नहीं उठाना, थाइस को नहीं उठाना, थाइस को नीचे ही रखेंगे, बॉडी को धीरे धीरे ऊपर को उठाए। गुड। अब आपको जितना आराम से सहजता से कर सकते हो उतना ही करना, फिर धीरे से वापस आ जाओ, रिलैक्स। तो दोस्तों ये 6-7 आसनास थे, आप प्लीज अब बैठ सकते हो। अब इसके बाद कुछ एक अभ्यास और मैं बताता हूँ, जिससे आपके क्या होगा, आपकी स्पाइन की नरिशमेंट होगी, आपकी स्पाइन की मसाज होगी। तो आप प्लीज सीधे लेट जाइए, जिसको हम रॉक एंड रोल कहते हैं, बट वो आगे पीछे नहीं करना, आपने लेफ्ट राइट करना। नीज को बैंड कीजिए, दोनों हाथों से पकड़िए नीज को, फिंगर्स को क्रॉस करते हुए। अब धीरे से लेफ्ट साइड, धीरे से राइट साइड, जिससे कि आपकी स्पाइन के अंदर जो थोड़ा बहुत खिंचाव तनाव आया वो आपको सेट हो जाएगा, उसमें शेक योर स्पाइन जस्ट लाइक दिस, रिलैक्स। अब धीरे से आप बैठ सकते हैं। जब आप बैठना है तो दोस्तों उस समय भी आपने बहुत ही ध्यान से बैठना है, उसमें आपने लेफ्ट करवट लेकर के बैठना है। अगर हम सीधे बैठेंगे तो उससे भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ आसन थे जो हमने बताए आपको। अब आपको वो आसन बताते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आसन आपको कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग जगह पे, और कुछ आप घर पे भी करते होंगे, तो आपको उन आसनों का ध्यान रखना, वो आसन को आपने अवॉइड करना। तो इसमें सबसे पहले जो हम सभी को बताते हैं जनरली, वो है आपने फॉरवर्ड बैंड नहीं करना। जब भी आप योगा प्रैक्टिस करते हो या कुछ भी काम भी कर रहे हो, तो आपने आगे झुकने वाले आसन नहीं करना, या फिर आगे झुक करके कोई चीज़ जब उठाते हो तो इसमें भी आपको बैक पेन हो सकता है। अब आगे झुकने वाले आसन कौन से हैं, अब जैसे आप करके बताइए, पश्चिमोत्तान आसन। अब इसमें मान लीजिए आप दोनों हाथों को उठाते हो और आगे की ओर बैंड करते हो, अब धीरे धीरे जैसे आगे, तो ये आसन इस तरह से आपको खड़े होके भी आगे नहीं बैंड करना, बैठ करके भी आगे बैंड नहीं करना, रिलीज। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। और कोई भी आसन करते हो आपने जंपिंग नहीं करना योगा प्रैक्टिस करते हुए, अगर आप जंपिंग कर सकते हो तो भी इसमें आपको स्ट्रेन, बैक पेन पे स्ट्रेन पड़ सकता है, ठीक है। और सूर्य नमस्कार में भी जैसे फोल्ड बैंडिंग होती है तो इसको आप अवॉइड कीजिए, उसकी जगह आप करके जैसे मान लीजिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इसमें आपने आगे बैंड ना करके आप नीज को बैंड करके उपड़ू बैठ के उस स्टेप को कर सकते हो। तो ये कुछ आसन जो थे जो हमने आपको बताए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।